जनाब ईसा उल मसीह की वापसी वह तकरीबन 2000 साल तू बाद सारी दुनिया मां ज्यादा तू ज्यादा दो लोग जनाब ईसा उल मसीह की खुशखबरी सुनाता आ रहा ही। जमात अगे टुरती जनाब ईसा उल मसीह नी दुनिया का आखिर मां वापस आन गो वादो कियो थो। अजा तोड़ी वो वापस नहीं आयो है मगर फिर भी वो अपनो वादो पूरो करेगो। इशना मां जिस कड़ी हम जनाब ईसा उल मसीह की वापसी गो इंतजार करा आते खुदा यो चावे है कि वो हम इसरा जिंदगी गुजारा जड़ी मुकद्दस है और उसका अखराम के वस्ते है। वो यो भी चाहवे है कि हम उसकी बादशाहत का बारा मा दूजा ना का जिस कड़ी जनाब ईसा उल मसीह जमी वर्त हो ते उनानी इसरा क्यों मेरा शागिर्द सारी दुनिया मा हर जगह लोका मा खुदा की बादशाही की खुशखबरी की तबलीग करेगा और फिर क्यामत आवेगी। लोका नी खासा सारा ग्रावा नी अजा भी जनाब ईसा उल मसीह का बारा मा नी सुनियो उनका जन्नत ना लौट जान तू पहला जनाब ईसा उल मसीह अपना मनन आला ना क्यों कि वो उसकी खुशखबरी गो ऐलान उन लोका मा करी जिना नी कदे नी सुनियो उसनी क्योंकि जाओ और सारा लोका का ग्रावा ना शागिर्द बनाओ और फसल कपन गए वास्ते तैयार है। जनाब ईसा उल मसीह नी या भी क्यों एक नौकर अपना मालिक तू बढ़ गए नहीं हो सकतो इस दुनिया का एक काम नी जिसरा मेरा नाल नफरत करी है बालक इसरा वो मेरी वजह नाल तेरा वर तशद्दुद करेगो और तेरो कत्ल करेगो। अगर इस दुनिया मा तम मुसीबत चकेगा हौसलो रखो क्योंकि मी नी शैतान ना शिक्षित दिती है जड़ो इस दुनिया वर राज करे है आखरत तोड़ी मेरे नाल वफादारी निभावे ते खुदा तम ना बचावेगो। जनाब ईसा उल मसीह नी अपना शागिर्दा ना दुनिया की आखरत और लोका को हशर समझान गए वास्ते एक कहानी सुनाई। इसनी जो कि एक शख्स नी अपनी खेत मा असल बीज बीजो जिस कड़ी वो सो रियो थो ते उसको दुश्मन आयो और कनक के नाल नाल खुद रोडियां गा बीज ला गए चले गयो। जिस कड़ी बूटा जमया ते नौकरानी अपना मालिक ना क्यों ए मालिक तमनी ते इस जमीन मा असल बीज बीजो थो ते क्यों आपे रोडियां को क्यों जम आयो। उनका मालिक नी जवाब दितो यो जरूरी किसे दुश्मन नी लायो है। नौकरानी मालिक ना पूछो के हम खुद रोडियां पी सटा मालिक नी क्यों नी अगर तम इसरा करेगा ते तम कुछ कनक भी पट सटेगा फसल गए कपन तोड़ी इंतजार करो और फिर खुद रेडी जमा कर गए साड़न गए वास्ते देर ले सटो लेकिन मेरी कनक ना मेरा गोदाम मा ले आओ। शागिर्दा ना कहानी गो मतलब समझ मा ना आयो ते उनानी जनाब ईसा उल मसीह ना समझान ना क्यों जनाब ईसा उल मसीह नी क्यों वो आदमी जड़ो असल बीज बीजे है वो मसीह की नुमूंदगी की करे है खेत दुनिया की नुमूंदगी की करे है असल बीज खुदा की बादशाहत के अलावा की नुमूंदगी करे है खुद रोबूटियां उन लोका की नुमूंदगी करी ही जिन गो ताल्लुक शैतान व दुश्मन जिसनी जो खुद रूढ़ियां ली शैतान की नुमूदगी करी फसल की
कटाई दुनिया की आखिरत की नुमूदगी करे है और कटाई करण आला के फरिश्ता की नुमूदगी करे है। जिस कड़ी दुनिया की आखिरत वहगी ते फरिश्ता उन सारा लोका ना जेड़ा शैतान नाल तालुक रखी जमा कर गए उस अजाबनाक अगमा साड़ दे गो जित वे इंतहाई मुसीबत मां रोता चिल्लाता और दंद पीसेगा। फिर रियासत बाज लोग अपना खुदा बाप की बाछाई मां दे के अरु चमकेगा। जनाब ईसा उल मसीह ने यो भी क्योंकि वो दुनिया की आखिरत होन तू पहला जमीन पर वापस आवेगो। वो उसरा वापस आवेगो जिसरा ग्यो है यानी एक मुजस्म जिस्म गए नाल और भी जड़वर सवार होके आवेगो। जिस कड़ी जनाब ईसा उल मसीह की वापसी वहगी ते हर मसीह जड़ो मर ग्यो है मुर्दा बिचू जी उठेगो और आसमान वर उनके नाल मिलेगो। फिर वो मसीह लोग जड़ा इस कड़ी भी जिंदा होवेगा आसमान वर अचक जीगा और दूजा मसीह लोग भी जड़ा मुर्दा बिचू जी उठी उनके नाल मिल जीगा। वे सारा उत जनाब ईसा उल मसीह के नाल भींगा। फिर उस तू बाद जनाब ईसा उल मसीह अपना लोकां गए नाल असल अमन वा अमान मा हमेशा गए वास्ते रह गो। जनाब ईसा उल मसीह नी हर उस शख्स ना जड़ो उन वर ईमान लायो एक ताज देन गो वादो कियो वे सारा लोग खुदा गए नाल असल अमन वा अमान मा रह गया और राज करेगा। लेकिन खुदा हर उस शख्स की अदालत करेगो जड़ो जनाब ईसा उल मसीह पर ईमान नहीं रखतो। वो उना जन्म मा सटेगो जित वे इंतहाई मुसीबत मा रोता चिल्लाता और दंद पीसता रहेगा। वह आग जड़ी कदे नहीं बुझसी उना लगातार साड़ेगी और कीड़ा उना खान कदे ना बंद करेगा। जिस कड़ी जनाब ईसा उल मसीह वापस आवेगो ते वो शैतान और उसकी बादशाही ना मुकम्मल तौर पर तबाह करेगो। वो शैतान ना जन्म मा फेंक देगो जित वो हमेशा गए वस्ते सड़ेगो। हमरा हर एक जिसनी बचाई खुदा की पैरवी के शैतान गो पिछो करण चुनियो। लेकिन हजरती आदम और बीवी हवा ने खुदा की हुकुम अदोली करी और गुना ना दुनिया मा ले आयो। खुदा ने उस वर लानत सटी और उस ना तबाह करण गो तकिया कर लियो। लेकिन एक दिन खुदा एक नवी जन्नत और एक नवी जमी बनावे गो जड़ी बेऐब हैगी। जनाब ईसा उल मसीह और उनका लोक इस नवी जमीन वर इसरा रिंगा और वे हर एक चीज वर वजूद रखती ही हमेशा गै वास्ते राज करेगा। वो हर एक अथरु पूछ देन गै और दुख वा तकलीफ गम रोन पुरानी दरियाई मौत बाकी ना रहगी। मती 28 तू 18 24 तू 14 योहन्ना 20 15 तू 33 16 मुकाशफा 10 तू मती 3 24 13 42 36 1 थकसीन 13 4 11 5 योकूब 12 1 मती 13 22 मुकाशफा 10 20 21 तू 22 1 21 तू ले गए बाइबल की एक कहानी।